हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मॉडर्न कैनल लॉन्चर में। आज हम लेकर आए हैं ग्रामर से संबंधित क्या क्वेश्चन टाइप। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टाइप। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टाइप में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टाइप में अंतर है, यानी क्वेश्चन और क्वेश्चन टाइप में अंतर है। तो कैसे अंतर है वो देखते हैं। तो कहता है कि क्वेश्चन पूर्ण वाक्य होता है तथा इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं, जबकि क्वेश्चन टाइप का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग किसी वाक्य के अंत में जोड़कर किया जाता है। यानी इससे हम लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो होता है एक पूर्ण वाक होता है, स्वतंत्र वाक होता है, उसको हम लोग स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन टाइप को जो है हम लोग स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है वो देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि यदि हम किसी बात को नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई ऐसा तथ्य या अनुमान आता है जिस पर हम पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्वेश्चन टाइप का प्रयोग करते हैं, यानी किया जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि यदि हम किसी बात को नहीं जानते हैं, पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम किसी बात को जान रहे हैं, 90% जान रहे हैं, बस उसका हाँ और ना के लिए हम उससे आश्वस्त होना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन टाइप का प्रयोग करते हैं। जैसे आगे देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन टाइप बनाने के लिए एनामोलस फिनिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहां हम एनामोलस प्लस नॉट को संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना होगा कि जब भी हम लोग एनामोलस के साथ अगर नोट लगाते हैं तो हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। जैसे डू प्लस नॉट है तो इसको डोंट लिखेंगे, डज प्लस नॉट है तो इसको डजंट लिखेंगे, एम प्लस नॉट है तो इसको आरंट लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि एम नॉट तो हम लोग शॉर्ट में जो है एमंट नहीं लिखेंगे, एमंट जो है ग्रामर के अनुसार गलत होता है। और अगला हमारा है इज प्लस नॉट, तो इज प्लस नॉट को जो है इजंट लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ लेंगे कि क्वेश्चन टाइप का कुछ नोट्स है। नोट्स क्या है कि जब किसी हिंदी के वाक्य के अंत में ना अब क्वेश्चन मार्क लगा रहे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि वह वाक्य क्वेश्चन टाइप का वाक्य है। यानी किसी वाक्य में, जैसे अब देखिए क्वेश्चन और क्वेश्चन टाइप में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन जो अभी हमने बताया था कि क्वेश्चन एक पूर्ण वाक्य होता है, तो देखिए तुम्हारा नाम क्या है, इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि उसका नाम क्या है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो प्रश्न करते हैं तो पूछे क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तो हम उसका नाम नहीं जानते हैं इसलिए उसका नाम पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन अगर हम पूछते हैं तुम्हारा नाम राजा है ना, इसका मतलब होता है कि हम उसका नाम जान रहे हैं, लेकिन सिर्फ उससे जानकारी के लिए हाँ या ना में पूछने के लिए हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन टाइप का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब किसी वाक्य के अंत में ना और प्लस जो आपका है क्वेश्चन मार्क लगा रहे तो इसका मतलब होता है कि वो आपका क्वेश्चन टैग है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा है जिसको हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। तो हमने बताया कि क्वेश्चन टैग जो होता है वो किसी चीज की आश्वस्त करने के लिए हम लोग पूरा पूछते हैं, यानी क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर है। तो क्वेश्चन जो होता है एक पूर्ण वाक्य होता है, जबकि क्वेश्चन टैग जो होता है किसी वाक्य के अंत में लगाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन टैग बनाना कैसे है। ये आपका है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग बनाने का नियम है कि जो भी वाक्य हो उसके अंत में कॉमा देना है, उसके बाद अगर उसका हेल्पिंग भाग जो है
अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग का जो है ये नेगेटिव होगा, और अगर जो आपका जो ट्रांसलेशन है सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग का जो है हेल्पिंग वर्ब जो है ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा आप उसे यहां लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी क्वेश्चन टैग बनाने का सिर्फ एक यही फॉर्मूला है, आप इससे बना सकते हैं। किसी भी वाक्य में कॉमा लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना देने के बाद क्वेश्चन टैग बन जाता है। तो चलिए इसी को देखते हुए हम लोग बनाते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहला जो है राम प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो आप याद रखेंगे कि V1 हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम लोग डू यूज करेंगे, और V5 हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग डस का प्रयोग करेंगे, और V2 हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला है राम प्लेस क्रिकेट। राम प्लेस क्रिकेट का मतलब होता है राम क्रिकेट खेलता है, तो ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव है। जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका नेगेटिव होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमने कॉमा लगा दिया, कॉमा के बाद यहाँ पे देखना ये V1 है, V5 है, तो V5 के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, डज का। तो डज का नेगेटिव अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, डजंट होगा। अब यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट बताएं कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा उसको लिख देना, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखना है कि एक ही वाक्य में दो सब्जेक्ट नहीं प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का, जब कोई नाम हो तब। तो यहाँ पे देखना है राम है तो राम के स्थान पर जो है हम उसका प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, तो डजंट ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यू मिस मी, तो यहाँ पे देखना है ये आपका V1 है, तो V1 है तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, डोंट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट उसको लिख देना है तो क्या हो जाएगा, डोंट यू। उसके बाद आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जो है रहेगा, तो हम लोग एम नॉट को नहीं लिखेंगे, बल्कि बताएं इससे पहले कि एम अंत नहीं होता बल्कि आरंट होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आरंट, और यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको हम जरा मिटा देते हैं, यहाँ पे देखना है कि अनिशा हैज स्टोलन माय पर्स, तो कॉमा सबसे पहले दे देना है। ये ट्रांसलेशन जो है, ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव है, तो आपका नेगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, हैजंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है इसका सब्जेक्ट अनिशा है तो उसके बदले उसका प्रोनाउन को लिखना है, यानी सी होगा। अब देखिए अगला जो है सी स्पोक द ट्रूथ, तो हमने बताया कि V2 अगर प्रयोग हो तो हम उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड का प्रयोग करेंगे, तो जब ये पॉजिटिव है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव होगा, तो डिड का नेगेटिव डिडंट हो गया। अब यहाँ पे जो है सी है तो सब्जेक्ट जो हम लोग सी लिख के क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब मान लिया कि यहाँ पे राम वाज है, राम वाज यहाँ पे नोट लगा दिए, राम वाज नॉट वर्किंग, तो यहाँ पे ये जो ट्रांसलेशन है आपका जो सेंटेंस है वो आपका नेगेटिव हो गया, तो जब नेगेटिव हो गया तो हम कॉमा देखिए, हेल्पिंग वर्ब जब नेगेटिव हो तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी यह जगह वाज। अब रवि है तो एक नाम दो बार प्रयोग नहीं करके बल्कि उसका प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाज ही। अगला देखते हैं आरोही हैड संग ए सॉन्ग, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमा हैड, जब यहाँ देख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, यानी हेडेड हो जाएगा, और आरोही है यानी लड़की है, यानी फीमेल है, तो उसके लिए हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। अगला है यू विल गो टू पटना, तो यू विल गो टू पटना है तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सैल प्लस नॉट इसका जो होता है शांत होता है, और विल प्लस नॉट जो होता है इसका होता है वॉन्ट, ठीक है, ऐसा नहीं कि साइलेंट विलेंट कर देना है, यहाँ पे आपको सांट और वॉन्ट करना है। तो यू विल गो टू पटना पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वॉन्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट का क्या है, यू है,
तो यू देखिए आपको क्वेश्चन मार्क देना है, यानी किस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स बताते हैं। चलिए यहाँ पे हमने कुछ ऐसा लिखा है जो आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा तो आप उसे क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे। तो देखते हैं कि अगर क्वेश्चन का जो, अगर आपका जो है ट्रांसलेशन, जो आपका सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट जो है अगर आई हो तो क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट आई होगा, अगर वी हो तो इसका भी वी होगा, अगर यू हो तो इसका यू होगा, ही हो तो क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट ही होगा, सी है तो इसका सी होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कोई ऐसा सिंगुलर नेम हो जो मेल हो तो उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे, जैसे राम, श्याम, मोहन, शैलेंद्र, ये सब नाम अगर आए सिंगुलर नाम में तो इसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई सिंगुलर नेम फीमेल को दर्शाता हो जैसे सोनी, नेहा, सिमरन, इस तरह का कोई नाम हो जो सिंगुलर दर्शाता है तो उसके स्थान पर हम लोग क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो सी लिखेंगे। आगे है अगर इट का प्रयोग हो तो उसका जो हम सब्जेक्ट इट ही रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला कुछ और इम्पोर्टेंट जो है उसको जानने के लिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें जो है कुछ और कुछ इम्पोर्टेंट जो है नोट्स है जिसे हमको जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं हमारा नोट्स क्या है। तो कहता है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट दे, पीपुल, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, गवर्नर या कोई प्लुरल नाउन हो तो क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट हमेशा दे होगा। यानी इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में हो सब्जेक्ट के रूप में तो उसका हम लोग जो है क्वेश्चन टाइप में क्या प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, द पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, इसका हम लोग जो है क्वेश्चन टाइप बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमने बताया कि कॉमा का प्रयोग करेंगे, कॉमा देने के बाद देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, यानी इसका हिंदी होता है कि लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं, तो ये आपका जो है पॉजिटिव वाक है। तो जब पॉजिटिव वाक है तो इसका क्वेश्चन टैग जो है नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने बताया था कि अगर V1 का प्रयोग हो तो वहां पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, डोंट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन टैग डोंट हो जाएगा और सब्जेक्ट जो है द पीपुल है तो इसका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला है एग्जाम्पल है, समवन हैज स्टोलन माय बुक, मतलब कुछ लोगों ने जो है किसी ने मेरा किताब को जो है चोरी कर लिया है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो इसका हम बनाएंगे कैसे, हैज है तो हैज का नेगेटिव हो जाएगा हैजंट और समवन है तो हो जाएगा दे। अब अगला है नोबडी हैज सीन गॉड, नोबडी हैज सीन गॉड, इसका हिंदी होता है कि भगवान को किसी ने नहीं देखा है। यानी इससे हमें पता चल रहा है कि यह वाक जो है नेगेटिव है। जब वाक नेगेटिव हो तो हम लोग क्वेश्चन टाइप का जो हेल्पिंग भाव है वो पॉजिटिव प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग कॉमा देंगे, उसके बाद हैज है तो यहाँ ये नहीं देखना कि हैज है तो हैजंट कर देना है, हमें ध्यान देना होगा कि वाक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा वाक जो है नोबडी जो है इसको क्या कर रहा, नेगेटिव दर्शा रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग इसका प्रयोग क्या करेंगे, सिर्फ हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नोबडी का जो प्रयोग हम लोग देख करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये वाक और ये वाक सही है नहीं सही है, क्यों, क्योंकि आप यहां ध्यान दे रहे होंगे कि दे है
यहाँ भी दे है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ कभी भी हैज का प्रयोग नहीं होता है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, बस इस नियम से बनाते हैं और सही करते हैं, उनको लगता है ये सही है लेकिन ये सही नहीं है। तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, इसके सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है, ना कि इधर से लोग करना है। तो सबसे पहले देखना होगा यहाँ पे दे है तो यहाँ पे हैजंट का प्रयोग ना होके क्या होगा, हैवंट का प्रयोग होगा। उसी तरह यहाँ पे हैज का प्रयोग ना होके हैव का प्रयोग करेंगे और यही सबसे बड़ा मिस्टेक विद्यार्थी लोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कहता है जब वाक्य का सब्जेक्ट समथिंग एनीथिंग एवरीथिंग नथिंग, यानी सब में थिंग थिंग लगा हो रहा है, मतलब इसका मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में वर्णन किया जाता है, तो जब थिंग लगा रहा है नथिंग हो एवरीथिंग हो एनीथिंग हो समथिंग हो, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा इट का प्रयोग होगा। तो जैसे है नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल मतलब कुछ भी संभव नहीं है, तो ये नेगेटिव वाक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे और नथिंग के लिए इट का प्रयोग करेंगे। दूसरा है समथिंग इज रॉन्ग, मतलब कुछ गलत है, यानी ये पॉजिटिव वाक है, तो हम लोग इज जो है नेगेटिव प्रयोग करेंगे, यानी इजंट इट का प्रयोग करेंगे। तीसरा है एवरीथिंग इज क्लियर, यानी सब चीज क्लियर है, यानी तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो इसमें हमारा हो जाएगा इजंट इट, यानी इस तरह से आपको बनाना होगा। अब आगे देखते हैं हमारा नोट क्या है, तो कहता है जब वाक पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टाइप का जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा नेगेटिव होगा, और जब वाक जो है नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टाइप का जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पॉजिटिव होगा। आगे देखते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो वाक्य को नेगेटिव दर्शाते हैं, कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य को नेगेटिव दर्शाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि नॉट अगर लगा दे किसी वाक्य में तभी वो नेगेटिव हो, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो जिसका प्रयोग अगर वाक्य में हो जाए तो वो भी नेगेटिव दर्शाते हैं, तो ऐसे स्थिति में भी जो हम लोग जो है ऐसे स्थिति में हम लोग जो है क्वेश्चन टाइप का जो हेल्पिंग वर्ब है वो पॉजिटिव करेंगे। जैसे कौन कौन सा ऐसा शब्द है, तो जैसे नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, सेल्डम हो गया, फी हो गया, लिटिल हो गया, ईटीसी, ऐसे शब्द हैं जो वाक्य को नेगेटिव दर्शाते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल इसका देख लेते हैं। चलिए अब हमने यहाँ पे चार एग्जांपल लिखा है जिसको हम लोग को समझना है क्या है। तो पहला है सी हैज फ्यू कार्स, मतलब उसके पास कुछ कारें हैं, ठीक है, यानी ये जो है फिर जो है एक नेगेटिव है, इसका होता है कुछ नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, यानी फ्यू जो है नेगेटिव दर्शाता है वाक्य को। तो यहाँ पे हम लोग देखना है सी हैज फ्यू कार्स, मतलब उसके पास कुछ कारें हैं, मतलब नहीं के बराबर है। तो चलिए इसका हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज होगा क्योंकि वाक्य जो है ये नेगेटिव है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तो सी, यानी हैज सी, और क्वेश्चन मार्क हमको दे देना है। अगला है राम हैड लिटिल वाटर, मतलब राम के पास कुछ पानी है, यानी नहीं के बराबर है, क्योंकि फ्यू और लिटिल जो है ये नेगेटिव दर्शाता है वाक्य, ठीक है, हमने पहले ही बताया था। उसके बाद देखना है राम हैड लिटिल वाटर, तो इसका हम लोग क्या होगा, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद बताया थे अगर कोई नाम हो तो नाम ना लिख के बल्कि उसका जो हम लोग जो है प्रोनाउन लिखेंगे, तो हो जाएगा क्या हैड। उसी तरह अगला देखना है कि जब फ्यू के साथ ए फ्यू ए लग जाए, लिटिल के साथ ए लग जाए, तो ये दोनों क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। जब पॉजिटिव बनेगा तो क्वेश्चन टैग का जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन टैग का हेल्पिंग वर्ब जो है नेगेटिव बनेगा, तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका हम लोग क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, हैव का हो जाएगा क्या, हैवंट हो जाएगा आई, ठीक है। उसी तरह राज हैड अ लिटिल मनी, ठीक है, तो मनी हो गया, तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब होता है कुछ, मतलब पॉजिटिव दर्शाता है, और इसका मतलब होता है कुछ नहीं के बराबर। तो चलिए देखते हैं राज Had a little money, इसका क्या हो जाएगा, hadn't. चलिए
आज का जो आपका जो आज जो क्वेश्चन टैग है बस इतना ही बताएं, आगे हम नए क्लास में जो है एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है तो लाइक जरूर करें, धन्यवाद।